हेलो एवरीवन, इट्स देवेश एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल एक्सप्लेन। सो गाइस, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नया चैप्टर, मैनेजमेंट अकाउंटिंग का चैप्टर नंबर 9। तो आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 9। और इससे को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर इससे पहले के प्रीवियस चैप्टर आपने नहीं देखे तो भाई क्या कर रहे हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके आप फटाफट से इससे पहले के 8वां चैप्टर देख के आ सकते हो। ठीक है, जिसने डिस्क्रिप्शन में लिंक वगैरह नहीं मिल रहे तो भाई कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, प्लेलिस्ट बना रखी है और प्लेलिस्ट के अंदर आपको सारे चैप्टर्स के लिंक प्रोवाइड कर जाएंगे, मिल जाएंगे। ठीक है जी, और इसको आप देखने के साथ साथ अगर आपको नोट्स वगैरह बाय करने हैं तो भाई नोट्स भी बाय कर सकते हो। जिन बच्चों के पास SLDU रेगुलर NCVM में पढ़ रहे हैं, सेमेस्टर 1, 3rd और 5th में जो बच्चे हैं, उनके पास अगर मैनेजमेंट अकाउंटिंग की बुक है तो वो इस बुक के नोट्स भी बाय कर सकते हैं। नोट्स रेडी हो चुके हैं, इंग्लिश हिंदी, भाई सिर्फ इंग्लिश में नोट्स रेडी है, हिंदी में फिलहाल नहीं बने हैं। तो जिनको नोट्स परचेज करने हैं वो ये मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है, इस नंबर पे आप मुझे मैसेज करो पर्सनली, और मैसेज करके आप लिख दो कि हमें भैया नोट्स परचेज करने हैं और मिनिमम अमाउंट पे करके आप नोट्स को बाय कर सकते हो। ठीक है, तो जिनको नोट्स बाय करने हैं फटाफट से मैसेज करो, जिनको नहीं लेने तो कोई टेंशन मतलब भाई वीडियोस के जरिए पूरा सिलेबस मैं कंप्लीट कवर करा दूंगा। ठीक है, तो आइए चालू करते हैं अपना चैप्टर नंबर 9, जिसका नाम है रिसेंट डेवलपमेंट्स इन बजट्स। देखो, हमने इससे पहले जो प्रीवियस चैप्टर थे, चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर नंबर 7 में फाइनेंशियल बजट और बजट में फ्लेक्सिबल और फिक्स्ड बजट सीखा था। ठीक है, जिनको नहीं देखा, जिन्होंने भाई जाके पहले वो देख लो, फिर ये समझ आ जाएगा उसका अगले वाला पार्ट एक तरह से। और जिन्होंने देख लिया है उनको ये चीज पता होगा कि बजट हमने पहले डिस्कस करा था। आज हम डिस्कस करने वाले हैं रिसेंट डेवलपमेंट इन बजट्स। बजट्स में कुछ डेवलपमेंट किए गए हैं, वो डेवलपमेंट क्या है पहले हम उसको समझते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे, यहाँ पे लिखा है जीरो बेस बजट की, मतलब ZBB। ZBB क्या है भाई, ZBB की फुल फॉर्म है जीरो बेस बजटिंग। क्या है, याद रख लेना, ZBB मतलब है जीरो बेस बजटिंग। जीरो बेस बजटिंग क्या होता है बेसिकली, आप समझो, कह रहा है अप्रोच वेयर ऑल एक्सपेंसेस स्टार्ट फ्रॉम ए जीरो बेस, जहां पर सारे खर्चे, सारे के सारे एक्सपेंसेस स्टार्ट होते हैं जीरो बेस से। किससे? जीरो बेस से। इसको बोला जाता है जीरो बेस बजटिंग, जहां पर सारे एक्सपेंसेस खर्चे स्टार्ट होते हैं बिल्कुल जीरो लेवल से, बेस लेवल से, वो जीरो बेस बजटिंग होता है। कह रहा है इट रिक्वायर्स एवरी बजट, इसके लिए आपको एक हर एक बजट को ध्यान से देखना पड़ेगा, हर एक बजट की रिक्वायरमेंट रहती है, बजट देम टू बी जस्टिफाइड फ्रॉम स्क्रैच रिगार्डलेस। देखो यहां पे क्या लिखा है कि हर एक बजट को जस्टिफाइड करना पड़ेगा, हर एक बजट को आपको मेंटेन करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा, तभी आप जीरो लेवल से एक्सपेंसेस को डिनोट कर पाओगे। इसको बोलते हैं स्क्रैच करना, मतलब छोटे छोटे खर्चों को भी रिकॉर्ड करते हुए चलना पड़ेगा। रिगार्डलेस ऑफ वेदर इट्स एन इंस्ट्रूमेंटल एंड और एग्जिस्टिंग कॉस्ट, कह रहा है कि जो हमारी इंस्ट्रूमेंटल या कोई एग्जिस्टिंग कॉस्ट होती है तो वो भी इसी के अंदर शामिल होती है, वो भी हम इसके जरिए फेदर कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। जीरो बेस बजटिंग प्रमोट्स कॉस्ट एफिशिएंसी, जो जीरो बेस बजटिंग है वो कॉस्ट एफिशिएंसी को प्रमोट करता है। ठीक है, तो जीरो बेस बजटिंग क्या करता है, कॉस्ट बेस्ड एफिशिएंसी को प्रमोट करता है, साथ ही साथ ये आपका एक एक्सपेंस लेवल निकालने में हेल्प करता है। तो काफी सारे जो लोग हैं जिनको नहीं पता है जीरो बेस बजटिंग क्या होता है, एग्जांपल देके आपको समझाऊं कि मैंने एक बिजनेस खोला मोमोज का, मैंने बिजनेस खोला मोमोज बनाने का। अब मोमोज बनाते टाइम पे मैंने अपने एक्सपेंसेस गिनना चालू किया कि मेरे पास कितना बजट है और कितने तक के खर्चे हो सकते हैं। मेरा बजट था मान लो 50,000 की, मैंने एक शॉप खोली, मोमोज की शॉप थी। ठीक है, अब इसमें मैंने क्या करा, 10,000 रुपए मैंने रेंट के लिए निकाल दिया, मेरा स्टार्टिंग से, ठीक है, शुरू से, उसमें से 10,000 में रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, दूध वगैरह सब उसमें आ गया। ठीक है, अब बात करते हैं इसके आगे, अब जो वो खर्चे हैं जैसे टिश्यू पेपर फॉइल वगैरह लाना, उसके लिए मेरे को 5,000 रुपए लगे। इस तरह से मेरे को चेयर्स लानी पड़ी लोगों के लिए, ठीक है, चेयर्स के साथ साथ सॉस लाना पड़ा, वो जिसमें मोमोज रखते हैं ना वो लाना पड़ा बर्तन। तो मैंने क्या करा, सारी चीजों को जीरो लेवल से, बेस लेवल से रिकॉर्ड करना चालू करा। अगर मेरे 100 रुपए भी खर्च हो रहे हैं तो मैं उसको भी रिकॉर्ड कर रहा हूं।
अगर मेरे 5 रुपए भी खर्च हो रहे हैं मैं उसको भी रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अगर मेरे 1000 खर्च हो रहे हैं उसको तो रिकॉर्ड कर ही रहा हूँ। तो अगर आप ऐसे बजटिंग करते हो जहां पर आपके सारे होने वाले एक्सपेंसेस और लॉसेस को आप रिकॉर्ड करके चलते हो तो वो जीरो बेस बजटिंग कहलाता है, छोटे छोटे बजटिंग। क्योंकि अगर आप बड़ी बजटिंग करोगे ना भाई, जीरो लेवल से आपको चीजें नहीं मालूम तो आपको आगे चल के दिक्कत आ जाएगी कि ये पैसा कहाँ चला गया, मेरा इतना पैसा यहाँ था तो यहाँ से कहाँ चला गया, तो वो रिकॉर्ड करने में दिक्कत ना आए, जिसके लिए हम जीरो लेवल बजटिंग मेंटेन करते हैं। आगे लिखा है नीड फॉर जीरो लेवल बजटिंग, ZBB मतलब क्या होता है, जीरो लेवल बजटिंग, ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना। ZBB की नीड क्या होती है, पहले आती है कॉस्ट एफिशिएंसी, आपकी जो कॉस्ट लग रही है, आपकी जो लागत लग रही है वो एकदम कुशल तरीके से सही ढंग से सही मायने में सही हाथों तक जाए। दूसरा आता है रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन, आपके जो रिसोर्सेज हैं, जो भी आपके रिसोर्सेज हैं, संसाधन हैं, उनका एक ऑप्टिमाइज यूज हो, मतलब कि ऐसा यूज हो कि जिससे आपकी जो पैसा लगा है वो रिकवर भी हो सके, आपको उससे खर्चा ना निकालना पड़े, एक्सपेंस वगैरह सब वो क्रिएट हो जाए वहां से। कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट, धीरे धीरे टाइम टू टाइम इंप्रूवमेंट भी होती रहती है, जीरो बेस बजटिंग में क्या होता है, इंप्रूवमेंट होती है कंटिन्यूअस। आगे लिखा है बजट अकाउंटेबिलिटी, आप बजट में स्क्रैच करके चलते हो, मैंने बताया था स्क्रैच में मतलब आप बजट के अंदर मेंटेन करके चलते हो, छोटे छोटे अकाउंट्स, छोटे छोटे चीजों को नोट करके चलते हो, अपने एक्सपेंसेस को नोट करके चलते हो, अपने खर्चों को रिकॉर्ड करके चलते हो, अपने जो होने वाले प्रॉफिट्स हैं वो रिकॉर्ड करके चलते हो, और जब ये सारी चीजें आप मेंटेन करते हो तब हम बजट अकाउंटेबिलिटी देखते हैं कि यहाँ पर एक क्लैरिटी मिल जाती है। हम बाद में खुद भी चेक कर सकते हैं कि अभी मुझे इसमें कितना बेनिफिट हुआ है, कितना लॉस हुआ है, तो अकाउंट की क्लैरिटी के लिए हम बजट अकाउंटेबिलिटी मेंटेन करते हैं। फिर अगला पॉइंट है रिसोर्स एलोकेशन, रिसोर्स एलोकेशन मतलब होता है कि आपको संसाधन प्रोवाइड करे जाने चाहिए, या फिर आप किसी से काम करा रहे हो तो आप रिसोर्स एलोकेट करोगे। आप ये देखोगे अगर मेरी आइसक्रीम का बिजनेस है, मेरा मोमो का बिजनेस है, तो आप मोमोज के लिए वो बर्तन लेके आओगे जिसमें बनाया जाता है, रेडी वगैरह जुगाड़ करोगे, वो रिसोर्सेज है उसके। अगर आप वहाँ आइसक्रीम का बिजनेस कर रहे हो तो आइसक्रीम के लिए जो मशीन्स होती हैं वो आप लगाओगे, प्रोडक्शन के टाइम पे जो मशीनरी यूज होती है वो रिसोर्सेज एलोकेशन कहलाएगी, ठीक है। आगे लिखा है फीचर्स ऑफ ZBB, ZBB के फीचर्स बताओ। तो बेसिकली ZBB के फीचर्स ये हैं कि ZBB हमेशा जीरो लेवल से स्टार्ट होता है। कहां से स्टार्ट होता है भाई, हमेशा ZBB स्टार्ट फ्रॉम जीरो लेवल। एक्सपेंसेस कहां से रिकॉर्ड करते हो, लिखा है अप्रोच वेयर ऑल एक्सपेंसेस स्टार्ट फ्रॉम ए जीरो बेस। एक्सपेंसेस जीरो बेस से स्टार्ट होंगे, जो भी छोटे मोटे खर्चे होंगे, 1 रुपया 2 रुपया 3 रुपया लाइन से सारे रिकॉर्ड करके चलोगे। सेकंड पॉइंट है एक्टिविटी एनालिसिस। आप इसमें विशेष चीज क्या होती है कि आप एक्टिविटी को एनालाइज कर सकते हो, आप खर्चे रिकॉर्ड करने के साथ साथ उसकी एक्टिविटी रिकॉर्ड कर रहे हो। आप ये देख रहे हो आपके 5 रुपए अगर मान लो किसी सामान को लाने में लगे हैं, आप रिकॉर्ड कर रहे हो, तो आप रिकॉर्ड कर रहे हो वो सामान को लाने में 5 रुपए लगे हैं वो अमाउंट, प्लस वो खर्चा किस चीज का है, हमारा किसी सामान को लाने में लगा है, पहुंचाने में लगा है, तो कैरियर कुरियर का जो खर्चा है वो भी आप रिकॉर्ड कर रहे हो, एनालाइज करने में हेल्पफुल होता है। फिर आता है प्रायोरिटी, आपकी प्रायोरिटी क्या होती है जीरो बेस में, आपकी प्रायोरिटी होती है कि जो एक्सपेंसेस हैं, जो खर्चे हो रहे हैं उनको जीरो बेस से रिकॉर्ड करके चला जाए। अगला है इन्वॉल्वमेंट ऑफ मैनेजर्स, मैनेजर्स इन्वॉल्वमेंट होता है यहाँ पर, ठीक है, जो भी आपके स्टाफ मेंबर्स हैं, मैनेजर्स हैं जो आपने अपॉइंट किया है, वो आपकी हेल्प करते हैं बाकी चीजें डिफाइन करने में। काफी सारे ऐसे खर्चे होते हैं जो अननेसेसरी होते हैं, जिनको हमें कम करना चाहिए, और मैनेजर उन पर नजर रखते हैं कि कौन से खर्चों को कम करके भी हम बजटिंग को बेटर बना सकते हैं, तो वो खर्चे हमारी इन्वॉल्वमेंट ऑफ मैनेजर्स में आएंगे। फिर लिखा है कंटिन्यूअस प्रोसेस, ये एक ऐसी प्रोसेस है जीरो लेवल बजटिंग जो ऑल टाइम चलती आ रही है और आगे भी चलती हुई जाएगी। कंटिन्यूअस प्रोसेस मतलब कि लगातार चलती हैं चीजें जितना हो सके उतनी ज्यादा लगातार चलने की कोशिश करती हैं। हमारे यहाँ पर जो बजट बनाए जाते हैं, जो भी हमारे यहाँ चीजें बनाई जा रही है, वो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस में चलती है, ठीक है। आगे लिखा है स्टेप्स ऑफ ZBB इन द प्रोसेस, अब हम ZBB की प्रोसेस देखेंगे कि ZBB क्या है, इसकी प्रोसेस क्या होती है। ZBB की प्रोसेस मैंने ऊपर लिखी हुई है, टोटल इसके 4 पॉइंट्स हैं प्रोसेस के अंदर। पहला पॉइंट होता है आइडेंटिफाई एक्टिविटीज, आपको एक्टिविटीज पहचाननी है,
कि एक्टिविटीज किस तरह की है, उसकी नेचर क्या है, खर्चा किस टाइप का है। आप वो खर्चा, वो आइडेंटिटी करोगे उसकी। लिखा है उसके बाद रैंक एक्टिविटीज। यहाँ पर जीरो लेवल बजटिंग आपकी रैंक बताती है। अगर आप ज्यादा खर्चा करते हो तो आपकी रैंक अभी किस जगह पर है, आप फर्स्ट पोजीशन पे हो, सेकंड पे हो, थर्ड पे हो, आप प्रायोरिटी किस चीज को दे रहे हो, वो सारी चीजें भी इसमें रिकॉर्ड होती है। एनालाइज कॉस्ट, आप कॉस्ट एनालाइज कर सकते हो कि खर्चा कहाँ कितना आ रहा है, जो आपका पैसा लग रहा है। आप जीरो लेवल बजटिंग कर रहे हो तो यहाँ पर एनालाइज कर सकते हो अपनी कॉस्ट को, पैसे लगाते टाइम, प्रोडक्शन के टाइम पे, मशीनरी के टाइम पे पैसा कहाँ कितना वेस्ट हो रहा है, बचाया जा सकता है, वो भी आप मेंटेन करते हो। एलोकेशन रिसोर्सेज, ये वही पॉइंट है जो हमने यहाँ डिस्कस किया था, रिसोर्सेज एलोकेशन है, ठीक है। फिर आगे बात करते हैं एडवांटेजेस ऑफ ZBB। ZBB के एडवांटेजेस में पहला एडवांटेज है कॉस्ट कंट्रोल, फिर है रिसोर्स एलोकेशन, जहां आप रिसोर्सेज का बेटर यूटिलाइज करते हो संभाल के। कॉस्ट कंट्रोल में आपकी कॉस्ट कंट्रोल होती है, ज्यादा फिजूल खर्चे नहीं होते हैं। स्ट्रेटेजिक एलोकेशन, मतलब कि यहाँ पर टेक्नोलॉजी डेवलप करी जाती है, आइडियाज बूस्ट किए जाते हैं, ट्रेनिंग कराई जाती है, डेवलपमेंट होती है, जो स्टाफ है उसको ट्रेन कराया जाएगा ताकि वो आने वाले जो खर्चे होंगे उसको पहले ही देख के समझ के चलेगा। तो ये सब चीजें इसमें होती है, ठीक है। तो आपकी स्ट्रेटेजिक एलोकेशन होती है। इनहेंस अकाउंटेबिलिटी, आप चीजों को अच्छे तरीके से समझ पाते हो, उसको अकाउंट्स में मेंटेन कर पाते हो, चाहे फाइनेंशियल अकाउंट की बात करें, चाहे आप अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में चीजों को रिकॉर्ड कर रहे हो, तो वो इनहेंस अकाउंटेबिलिटी होती है, अच्छे से रिकॉर्ड कर पाओगे। कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट, आपको बताया था कि ऊपर ही मैंने स्ट्रेटेजिक एलोकेशन होता है, जहां पर स्ट्रेटेजी चेंज करते रहते हैं, डेवलपमेंट हमेशा होते रहते हैं, तो आप कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट भी कर सकते हो, आप डेवलपमेंट कर सकते हो, लगातार चीजों में सुधार ला सकते हो, चीजों को धीरे धीरे आप सुधार भी करोगे, ठीक है। उसके बाद है डिसएडवांटेजेस ऑफ ZBB। ZBB के नुकसान क्या होते हैं, डिसएडवांटेजेस। पहला होता है कि रिसोर्सेज इंटेंसिव होते हैं, रिसोर्सेज ना खर्चीले होते हैं, यहाँ पे रिसोर्सेज का बेटर यूटिलाइजेशन तो होता है बट रिसोर्सेज में पैसा ज्यादा लगाते हैं। रिसोर्सेज जो हैं हमारे वो खर्चीले हैं, वो हमारे को कभी भी पैसा यूटिलाइज करने को कह सकते हैं, डैमेजेस हो सकते हैं, टूट फूट हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। मैनेजियल रेसिस्टेंस होता है, यहाँ पर चीजों को थोड़ा सा ज्यादा ओवरव्यू नहीं देखा जाता, मतलब कि चीजों को हल्के में लिया जाता है, मैनेजमेंट थोड़ा कम अच्छा होता है यहाँ का। कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होती, अगर आप बोलो कि आज हमारी मशीन ये खराब है, हम दूसरी मशीन से यूज करते हैं काम करना, तो आपकी कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, आप दूसरी टेक्नोलॉजी या दूसरी मशीन को जल्दी अडेप्ट नहीं कर सकते, आप इतनी जल्दी उस चीजों को अडेप्ट नहीं कर पा रहे हो, वो आपकी चेंजेस में क्या होती है, आपकी डिसएडवांटेजेस हो जाएगी। या फिर आप सब जो कि ये शॉर्ट टर्म फोकस करती है, कैसे टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म, शॉर्ट टर्म होता है छोटे टाइम के लिए, मीन्स या तो 6 महीने या 12 महीने, लगभग 6 से 12 महीने के अंदर आपकी चीजें वेस्ट हो रही है, 6 से 12 महीने से ज्यादा आपकी चीजें काम ही नहीं करेंगी भाई, 6 से 12 महीने मतलब इसके अंदर आपकी चीजें वर्क कर रही है, 6 से 12 महीने के बाद आपकी चीजें वर्क नहीं करती, तो इस जगह शॉर्ट टर्म फोकस होता है। आपने छोटे टाइम के लिए मशीनें लगाई होगी, आपने सस्ते पैसे पे मशीनें लगाई होगी, बजट में कम पैसों में मंगाई होगी, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशनल एंड जीरो बजट, ट्रेडिशनल और जीरो बजट का डिफरेंस समझो। बेसिस ऑन बजटिंग, बजटिंग किस बेसिस पे होती है, ट्रेडिशनल लेवल हमेशा हिस्टोरिकल लेवल होता है, जो हमारी पास्ट के होने वाले खर्चों को देखते हुए अभी आज बजटिंग करता है, बट इसकी जगह जीरो लेवल बजटिंग हमेशा जीरो लेवल से ही स्टार्ट करेगा। पुराने कितने खर्चे हुए, कौन से खर्चे हुए, हमने दूध वाले को कितना खर्चा दिया, हमने रेंट में कितना चुकाया, कोई मैटर नहीं करता, हम उनको नहीं देखते, हम क्या देखते हैं, जो आज से प्रेजेंट डे से जो खर्चे स्टार्ट हुए हैं वो मेंटेन करते हैं। बेसिस ऑफ बजटिंग में जो ट्रेडिशनल है वो हिस्टोरिकल देखता है, जबकि ZBB प्रेजेंट का देखता है। फोकस किस पे होता है, दोनों का फोकस होता है मेंटेन करने पे, प्रॉफिट अर्निंग पे और बिजनेस को ग्रो करने के ऊपर, यही फोकस होता है इनका बेसिकली। बट साथ ही साथ इसका फोकस ZBB का जीरो लेवल एक्सपेंसेस को डिनोट करने का होता है, बट ट्रेडिशनल का हिस्टोरिकल एक्सपेंसेस को डिनोट करने का होता है, ठीक है। थर्ड आता है रिसोर्सेज एलोकेशन, इसमें होता है रिसोर्सेज एलोकेशन में खर्चे आते हैं ZBB में ज्यादा, रिसोर्सेज एलोकेशन में ट्रेडिशनल में कम खर्चे आते हैं, ट्रेडिशनल हिस्टोरिकल कॉस्ट को देख के चलता है,
पर हमें पता है हमने पहले आने वाले टाइम पे ज्यादा हैवी मशीन लगाई थी, ज्यादा यूटिलाइजेशन वाली मशीन लगाई थी, जो आज के टाइम पे ZBB से ज्यादा प्रोडक्शन दे रही है। और ZBB खर्चे तो कंट्रोल करता है बट मशीनरी थोड़ी सी डिफरेंट होती है इसकी। आगे लिखा है फ्रीक्वेंसी, दोनों की फ्रीक्वेंसी क्या है? फ्रीक्वेंसी ये है कि ZBB शॉर्ट टर्म को फोकस करता है और ट्रेडिशनल हमेशा लॉन्ग टर्म को फोकस करता है। वो देखता है कि हमने ऐसी मशीनें यूज करें, हम ऐसे ट्रेन डेवलप करें कि जो हमारे आने वाले 10 साल 5 साल 6 साल तक लगातार वर्क कर पाए, हमें बार बार सिलेक्ट नहीं करना पड़ेगा, बार बार मशीनें नहीं चूज करनी, बार बार ढूंढना नहीं है चीजों को। तो वो चीज बचाने के लिए, चाहे टाइम बचाने के लिए, चाहे किसी चीज को बचाने के लिए आप फ्रिक्वेंसी देखोगे तो ट्रेडिशनल ज्यादा बेटर पाएगा एज कंपेयर एज ZBB। ठीक है, जीरो बेस बजटिंग। आगे लिखा है प्रोग्रामिंग बजटिंग। प्रोग्राम बजटिंग कह लो या प्रोग्रामिंग बजटिंग कह लो, ये क्या चीज है? प्रोग्रामिंग बजटिंग एक छोटा सा पॉइंट है आपके बुक का ही, जो इसमें दिखाया गया है, लिखा गया है। कह रहा है इज द मेथड दैट अलोकेटेड रिसोर्सेज बेस्ड ऑन स्पेसिफिक प्रोग्राम्स। यहां पर कुछ अलोकेट रिसोर्सेज होते हैं, वो रिसोर्सेज जो आपको दिए गए हैं एक कंपनी या एक ऑर्गेनाइजेशन या एक मालिक की तरफ से, किस चीज के लिए? कुछ स्पेसिफिक प्रोग्राम्स या कुछ प्रोजेक्ट्स को करने के लिए। जब आपको एक कंपनी एक ऑर्गेनाइजेशन कुछ प्रोग्राम या बोल सकते हो कुछ रिसोर्सेज को देती है, प्रोवाइड कराती है कुछ काम करने के लिए, तो वो कुछ स्पेसिफिक नीड को या स्पेसिफिक गोल्स को अचीव करने के लिए दिए गए हैं। जैसे मेरे को मान लो कोई लैपटॉप दिया, मैं जॉब पे गया, पहले दिन मेरे को लैपटॉप दिया गया, वो लैपटॉप मेरे को जो मिला है, वो रिसोर्स जो मेरे को मिला है, वो मेरे कुछ स्पेसिफिक काम करने के लिए, ना मेरे पर्सनल या प्राइवेट काम करने के लिए। ठीक है, मैं उसमें कोई यूट्यूब वीडियोस नहीं देख सकता, देख सकता हूँ, बट वो मेरे को जो मिला है उसकी प्रायोरिटी उनके स्पेसिफिक काम की है। ऑफिस यूज के लिए मिला है तो ऑफिस यूज करना पड़ेगा, वो चीजें कह रहा है। कह रहा है उसके बाद देन ट्रेडिशनल डिपार्टमेंटल फंक्शनल, जो ट्रेडिशनल डिपार्टमेंटल फंक्शन है उसके काम में यूज कर सकते हैं हम इसके रिसोर्सेज को। इट फोकस ऑन इनहेंस ट्रांसपेरेंसी। देखो इसके ऑब्जेक्टिव बता रहा हूं, इसके ऑब्जेक्टिव्स, प्रोग्राम बजटिंग के ऑब्जेक्टिव्स भी यही चार हैं जो मैं अब आपको बताने वाला हूं। पहला ऑब्जेक्टिव है फोकस, ये ऑब्जेक्टिव है फोकस ऑन इनहेंसिंग ट्रांसपेरेंसी। इनहेंस मतलब कि कार्य कुशलता और पारदर्शिता को देखते हुए चीजों को बनाता है, और इसी को ध्यान रखते हुए ये इसका ऑब्जेक्टिव बन जाता है। ये चार ऑब्जेक्टिव है। पहला ऑब्जेक्टिव है हमारा फोकस ऑन इनहेंसिंग ट्रांसपेरेंसी। दूसरा है परफॉर्मेंस इवेल्युएशन, जहां पर आप अपनी परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करते हो, आप देखते हो कि आप जो काम कर रहे हो कुशल ढंग से हो रहा है ना, आपके काम में कहीं अड़चन तो नहीं आ रही, वो सब चीजें आप मेंटेन करते हो। ठीक है, आगे लिखा है भाई चेक करना पड़ता है माइक वर्क कर रहा है। काफी बार होता है कि वीडियो में माइक बना तो रहूं बट रुक जाता है चलते चलते, तो एक बार मेरी वीडियो खराब हो गई थी, काफी बार हो सका है, तो इसलिए थोड़ा चेक करना पड़ता है, सॉरी। अगला लिखा है पॉइंट नंबर थर्ड, जिसका नाम है एफिशिएंट एलोकेशन। एफिशिएंट एलोकेशन मतलब होता है कि जहां पर हमारा माल जो है वो इफिशियंटली कुशलतापूर्वक अलोकेट हो रहा है, लोगों तक पहुंच रहा है, लोग उसको पसंद कर रहे हैं, रिसोर्सेज ऑप्टिमाइज है, हम बेटर यूटिलाइजेशन कर रहे हैं, हम ग्रो कर रहे हैं। तो ये सब चीजें चेक करने के लिए हम देखते हैं इफिशियंट एलोकेशन और आउटकम फोकस करते हैं, मतलब कि जो माल बना के तैयार कर चुके हैं उस पर क्या खर्चा आया है, एक्सपेंसेस क्या है, उसके आउटकम्स क्या है, लोग कितना पसंद करते हैं और डिमांड करते हैं, तो वो चीज देखकर हम जो रिसोर्सेज बना रहे हैं वो आउटकम रिसोर्सेज कहलाएंगे। ये प्रोग्राम बजटिंग के चार ऑब्जेक्टिव है। चार ऑब्जेक्टिव्स से बताएं भाई, मैंने बार बार बता रहा हूँ, ये चार ऑब्जेक्टिव्स यहां से स्टार्ट है, फोकस ऑन इनहेंसिंग ट्रांसपेरेंसी, परफॉर्मेंस इवेल्युएशन, एफिशिएंट एलोकेशन, आउटकम फोकस। ठीक है, ये चार आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं परफॉर्मिंग बजटिंग के या प्रोग्राम बजटिंग के। पॉइंट नंबर टू इसका नेक्स्ट है लिमिटेशंस। अब मैंने इसकी कुछ लिमिटेशन लिखी है जो इसकी बुरी चीज है। कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होती भाई, कॉम्प्लेक्सिटी तो ना इसमें होती ना इसमें होती, बजटिंग जीरो बेस बजटिंग में भी नहीं होती और ना इसमें होती प्रोग्राम बजटिंग में। कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होती, आप चेंज नहीं कर सकते, बाद में चीजों को अडेप्ट नहीं कर सकते, नई चीजों को बना नहीं सकते आप, इसमें ये होता है। अगला लिखा है रिसोर्सेज और डिस्प्यूट्स। आपके रिसोर्सेज में खराबी जल्दी आने के चांसेस है, रिसोर्सेज पुरानी टेक्नोलॉजी यूज करते हैं तो खराब होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। परफॉर्मेंस मेजरमेंट, आपको परफॉर्मेंस मेजरमेंट करने को मिल जाता है, आप अपनी परफॉर्मेंस मेजर कर सकते हो, आपने कितना माल बनाया, कितना कॉस्टली है, क्या प्रोडक्ट आया है, क्या खर्चा आया है, वो आप अपने आप से मेजर कर सकते हो, बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन कर सकते हो इसी चीज के लिए।
तो ये थे आपके पॉइंट्स जिसको हमने डिस्कस करा। तो चैप्टर 9 के अभी कुछ पॉइंट्स रहते हैं, थोड़े रह रहे हैं भाई, तो पहले आप इसको उतार लो, मैं इसको मिटोने वाला हूँ, फिर उसको मिटा के फिर लिखवाता हूँ, ठीक है। मैं कुछ पॉइंट्स बताने वाला हूं जो मैंने आपके सामने बोर्ड पे यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं। तो अभी तक जितना हमने पढ़ा था आपने स्क्रीनशॉट या उतार लिया होगा, भाई नहीं उतारा तो स्क्रीनशॉट वगैरह ले लेना ताकि आगे आपको प्रॉब्लम ना हो। तो उसके आगे हम पढ़ने वाले हैं परफॉर्मेंस बजटिंग के बारे में। परफॉर्मेंस बजटिंग क्या होता है? कह रहा है इट्स दैट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, कह रहा है कि यहाँ पर अपने रिसोर्सेज जो होते हैं ना, जो गिवन संसाधन होते हैं, रिसोर्सेज हमारे संसाधन, उन संसाधनों का अलोकेशन करना, एक बेटर रिसोर्सेज का यूज करते हैं जब हम उस टाइम पे, टू द अचीवमेंट ऑफ स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स, किस चीज के लिए? जब हम बेटर यूटिलाइजेशन करते हैं संसाधनों का अपने गोल्स को अचीव करने के लिए, या अपने स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव, कुछ उद्देश्य होते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के, उनको पूरा करने के लिए, एंड परफॉर्मेंस आउटकम्स, और उनको पूरा करने के लिए जब हम मेहनत करते हैं तो वहां पर हमारे आउटकम्स आते हैं कुछ, ठीक है। आउटकम्स मतलब होता है कि जब हम जो भी परफॉर्म करते हैं उससे रिजल्ट जो मिलता है वो हमारे आउटकम्स, वाइल फोकसिंग मेनली फाइनेंशियल इनपुट्स और आउटपुट्स। कह रहा है कि बेसिकली हमारी जो परफॉर्मेंस बजटिंग है ये फोकस करती है हमारे फाइनेंशियल इनपुट और आउटपुट के ऊपर। हमारा गोल क्या होता है, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होता है? हमारा ऑब्जेक्टिव होता है इसमें फाइनेंशियली इनपुट एंड आउटपुट्स को मेंटेन करना, इसको चेक करना। और यही चीज अगर हम रिसोर्सेज मेंटेन करके करते हैं तो हमारे अचीवमेंट्स के जरिए हम उन स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर पाते हैं, ठीक है। अब हमने इसके पर्पज लिखे हैं नीचे कि पर्पज क्या क्या होते हैं परफॉर्मेंस बजटिंग के। तो पर्पज में पहला पर्पज तो यही है कि परफॉर्मेंस बजटिंग, आपकी जो भी परफॉर्मेंस बजटिंग है उसको आपको मेंटेन करके चलना होता है, आपको देखना होता है उसमें क्या चीज ठीक है क्या गलत है। इनहेंस ट्रांसपेरेंसी होती है, इनहेंस ट्रांसपेरेंसी मतलब कि आप जो भी चीज कर रहे हो, आप बुक्स ऑफ अकाउंट बना रहे हो, आपके इनपुट्स क्या हैं, आपके आउटपुट्स क्या हैं, उनको मेंटेन रखना क्लियरली, ताकि कोई भी अगर आपसे मांग ले, कोई भी आपको देखे, तो वो बिल्कुल साफ साफ आपको नजर आने चाहिए कि उसमें आपके आउटपुट्स क्या है, आपका सेल क्या है, आपका परचेस क्या है, या फिर जो आपके एक्सपेंसेस हैं वो खर्चे क्या है, वो सब चीजें क्लियरली मेंटेन होनी चाहिए। इंप्रूव द एफिशिएंसी, आप अपनी एफिशिएंसी को इंप्रूव कर पाते हो, इसका पर्पज ये होता है, उद्देश्य कि आपकी एफिशिएंसी को इंप्रूव करता है, आपकी कार्य कुशलता जो है ना, जिसमें आप निपुण होते रहते हो, साथ के साथ आप उसमें कुशल होते जाते हो, ठीक है। फीचर्स क्या है? फीचर्स होता है कि आपको पहले बताया था कि ये जो है ये आउटकम्स को देखता है कि परफॉर्मेंस आउटकम्स जो है वो क्या है, तो इसीलिए मैंने लिखा है आउटकम्स ओरिएंटेड। आउटकम्स ओरिएंटेड होता है, विशेषता यही है कि ये आउटकम ओरिएंटेड जो होने वाले रिजल्ट्स हैं, जो पॉसिबल रिजल्ट अभी होने वाले हैं या जो चीजें हम अभी अचीव करने वाले हैं, तो उनके आउटकम्स को ये देखते हुए चलता है। मेजरेबल ऑब्जेक्टिव्स, जो उद्देश्य हैं उनको मेजर कर सकता है, ठीक है, माप सकता है कि मेजरेबल उद्देश्य जो है हमारे क्या है, हम उनको पाने के लिए हम अपने रिसोर्सेज का किस वे में बेटर यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता होती है, जैसे आपको मैंने बताया था क्लियर ऑब्जेक्टिव होता है, आप इसमें हर चीज चेक कर सकते हो, आप इंप्रूव कर सकते हो एफिशिएंसी, या फिर बोल सकते हो परफॉर्मेंस बजटिंग कर सकते हो, आप चीजों को इंप्रूव कर सकते हो और अच्छे तरीके से देख सकते हो। रिसोर्सेज का ऑप्टिमाइजेशन होता है, रिसोर्सेज वेस्ट नहीं जाते हैं, अगर आप जो रिसोर्सेज लगा रहे हो उन रिसोर्सेज की मदद से आप अपने अचीवमेंट कर सकते हो ऑब्जेक्शंस को, किसको, अपने ऑब्जेक्टिव्स को, अपने गोल्स को, वो सारा आप रिसोर्सेज ऑप्टिमाइजेशन की वजह से फुलफिल करते हो। अगला स्टेप है स्टेप्स ऑफ परफॉर्मेंस बजटिंग। परफॉर्मेंस बजटिंग के स्टेप्स हैं, चार स्टेप होते हैं, मैंने पहला स्टेप लिखा है ये रहा भाई, ये सबसे नीचे लिख दिया था बाई चांस मैंने, बट ये सबसे पहला है कि एस्टेब्लिश क्लियर ऑब्जेक्टिव्स, आपके जो क्लियर ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको एस्टेब्लिश करना। आपको पहले अपने उद्देश्य लिखने हैं कि अगर मान लो मैं आपको ये पढ़ा रहा हूं तो उसके मेरे ऑब्जेक्टिव क्या है, मेरे भी कुछ उद्देश्य होंगे। पहली चीज तो कि मैं अपनी तरफ से 100% दे पाऊं, आपको समझा पाऊं। दूसरा कि आपको जो मैं पढ़ा रहा हूं वो आपको सारा कुछ अच्छे से समझ आ जाए, अच्छे से समझा सकूं। तीसरा उद्देश्य ये होगा कि आपके जो स्कोर हैं वो अच्छे आए मेरी वीडियो देखने के बाद, समझने के बाद, ठीक है। ऐसे ही इसका ऑब्जेक्टिव होता है क्लियर ऑब्जेक्शंस, पहले अपने उद्देश्य को क्लियरली बनाना।
दूसरा डेवलपिंग परफॉर्मेंस मेजर, आपको परफॉर्मेंस को मेजर करना है, अपने डेवलप करनी है स्किल्स, स्किल्स डेवलप करोगे, परफॉर्मेंस मेजर करोगे, फिर आप देखोगे कितना आउटपुट आ रहा है। मेजर एक्चुअल परफॉर्मेंस, एक्चुअल परफॉर्मेंस और डेवलपिंग परफॉर्मेंस, दोनों के बीच का जो गैप है, एक गैप होता है दोनों के बीच में, वो देखता है। डेवलपिंग परफॉर्मेंस जो आप अपना डेवलप कर रहे हो, इंक्रीज जो कर रहे हो वो, एक्चुअल परफॉर्मेंस वो बताती है जो आप एक्चुअल में करते हो, डेवलपिंग होने से पहले जो आप कर रहे हो वो एक्चुअल परफॉर्मेंस होती है, वो आपकी मेजर करता है। इवेल्युएटिंग परफॉर्मेंस दोनों परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करता है, दोनों में से ज्यादा ज्यादा कौन सी हो रही है, किस पर आप ज्यादा ध्यान दे रहे हो, किस पर आप कमी छोड़ रहे हो, कौन से रिसोर्सेज आप बेटर यूटिलाइज नहीं कर पा रहे, या कौन सी स्किल्स ऐसी हैं जिनको आपने ज्यादा डेवलप नहीं करा, उनको डेवलप करने पे भी ध्यान दो ताकि ऑब्जेक्टिव्स को जल्दी पूरा कर सको। ठीक है, आगे लिखा है उसके बाद एडवांटेजेस क्या क्या होते हैं भाई। पहला होता है अकाउंटेबिलिटी, दूसरा होता है एफिशिएंसी। अकाउंटेबिलिटी में आप चेक कर पाते हो, अपनी मेजर कर पाते हो चीजों को, ठीक है। एफिशिएंसी में अपनी कार्य कुशलता के जरिए अपने ऑब्जेक्टिव्स को अटेन कर पाते हो। आगे लिखा है उसके बाद इंप्रूव्ड डिसीजन मेकिंग, आपकी डिसीजन मेकिंग और ज्यादा बेटर होती है, सोचने की, समझने की नॉलेजेबल स्किल्स वगैरह डेवलप होती है। जब आप एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हो तब आप एक छोटे लेवल को हटाकर एक बड़े, एक लार्ज लेवल पे सोचते हो, जिससे आपकी स्किल्स इंप्रूव होती है। किस जगह पर ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करना है, किस जगह पर आपको सुपरविजन करना है, किस जगह पर यूज, ऑप्टिमम यूज हो रहा है रिसोर्सेज का और किस जगह पर वेस्टेज हो रही है, तो वो डिसीजन लेने में आपकी स्किल्स इंप्रूव हो जाती है, इवेल्युएशन कर पाते हो। परफॉर्मेंस इवेल्युएशन हो जाती है, आपकी जो परफॉर्मेंस है वो आपकी टाइम बाय टाइम ठीक होती है, इंप्रूव भी होती है ज्यादातर, ठीक है। उसके बाद लिखा है लिमिटेशंस, ये तो थे इसके फायदे फीचर्स वगैरह। अब परफॉर्मेंस बजटिंग के लिमिटेशन है कि कॉम्प्लेक्सिटी होती है, जल्दी से चेंजेस को अडेप्ट नहीं कर पाती। अगर आप चाहो कि अभी ये चेंज है, आने वाले टाइम पे ट्रेंड चेंज होगा, ट्रेंड चेंज होने के टाइम पे ये इवेल्युएट हो जाए, ये बदल जाए अपने आप ही, तो ये बदलती नहीं है, इसमें कुछ कॉम्प्लेक्सिटी होती है जहां पर ज्यादा टेक्नोलॉजी को हम चेंज नहीं कर सकते। लिखा है यहाँ पे डेटा रिलायबिलिटी, यहाँ पर जो डेटा होता है वो एकदम रिलायबिलिटी होता है, जहां पर आप डेटा को बार बार नहीं अफोर्ड कर सकते, डेटा आपका एक बार मिस हो गया तो भी प्रॉब्लम आ जाती है। आपने जो भी आपके इनपुट डेटा होंगे या फिर आउटपुट डेटा होंगे, दो तरह के डेटा होते हैं बेसिकली फाइनेंशियल में, तो दोनों ही डेटा आप मेजर करके चलते हो, इनमें से कोई सा डेटा मिस हो गया, कोई सा मिसमैच हो गया, तो आप गलती नहीं पकड़ पाते कहां होता है। तीसरा टाइम कंज्यूमिंग, ये सब करने में बहुत टाइम लगता है, आपको जो पूरी परफॉर्मेंस मेजर कर रहे हो, आप जो देख रहे हो, इनहेंस कर रहे हो, इंप्रूव कर रहे हो, स्किल दे रहे हो, डेवलपमेंट करा रहे हो, पूरी ऑब्जेक्शन, पूरी जितनी भी प्रोसेस है इसकी, वो परफॉर्म करने के लिए आपको टाइम लगता है, टाइम कंज्यूम होना पड़ता है। उसके साथ साथ सब्जेक्टिविटी, आपका कभी कभी उद्देश्य जो है वो डगडगा जाता है, या फिर बोल सकते हो हिल जाता है, जहां पर आप अपने ऑब्जेक्टिव्स को पूरा नहीं कर पाओगे, ठीक है। हो सकता है कोई ऐसे परफॉर्मेंस आप भूल रहे हो, भूल जाते हो, जिसकी वजह से पूरी प्रोसेस खराब हो रही हो, तो वो चीज आप मेंटेन करना भूल जाते हो, कभी कभी सब्जेक्टिविटी रह जाती है, ठीक है। तो ये था आपका पूरा रिसेंट डेवलपमेंट इन बजट्स, पूरा चैप्टर नंबर 9। आई विश आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब कर देना चैनल को, ताकि आपको इसी तरह से सारे चैप्टर में एग्जाम से पहले कंप्लीट करा सकूं। इससे पहले के लेक्चर नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा सारे चैप्टर्स के, वो आप देख लेना। और नोट्स वगैरह बाय कर रहे हैं तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर ये दे रखा है, इस नंबर पे आप मुझे पर्सनली मैसेज करके नोट्स वगैरह बाय कर सकते हो, मिनिमम अमाउंट पे करके। और मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ, जल्दी लाएंगे नेक्स्ट लेक्चर भी भाई। इसके टोटल 13th के लगभग चैप्टर हैं, तो अभी हम आ गए 9th लेक्चर पे, दो मुश्किल से 4-5 लेक्चर रहते हैं, वो भी मैं जल्दी कंप्लीट करा दूंगा। और मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, अब आप इसको उतार लो, कीप वॉचिंग, थैंक यू, बाय बाय।